बीजेपी और सपा की तरह इस बार बसपा भी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। पहले मायावती का दानिश अली को पार्टी से निकालना, फिर अपना उत्तराधिकारी चुनना और अब एक और बड़ा फैसला, ऐसा फैसला जो अभी तक किसी भी चुनाव में मायावती ने नहीं लिया। लेकिन उत्तराधिकारी की कुर्सी संभालने के कुछ दिनों बाद ही आकाश आनंद ने बहुजन समाज पार्टी में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया। बसपा के इतिहास में पहली बार दूसरी पार्टी की तरह मिस कॉल नंबर जारी किया गया है। ये नंबर आकाश आनंद से जुड़ने के लिए है। खुद इसकी जानकारी मायावती के भतीजे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। साथ ही लिखा, ना रुके हैं ना रुकेंगे, सत्ता की गुरु किल्ली को लेकर रहेंगे। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष के लिए, देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें संगठित होना होगा और ये आपसे शुरू होगा। इस मिशन से जुड़ने के लिए 9911278181 पर एक मिस्ड कॉल कीजिए और सीधे मुझसे जुड़िए। जिस दिन ये खबर आई कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को चुना है, तब से उन्हें लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे थे। आकाश आनंद बसपा को पहले की तरह खड़ा कर पाएंगे? क्या वो कठिन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए काफी वक्त है, लेकिन आकाश आनंद ने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने और बीएसपी के अस्तित्व को बचाने का काम अभी से शुरू कर दिया है। इसी के तहत उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बनानी भी तेज कर दी है। बता दें कि 15 जनवरी को बसपा अपना ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के जरिए युवाओं से जुड़ने की कोशिश होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।